हेलो फ्रेंड्स, जस्ट फॉर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो सबसे पहले फेमस पर्सनैलिटी वो है किंकरी देवी जी। तो जो इनका जन्म हुआ था वो 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गट्टौन विलेज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और 22 साल में ये विडो हो गई थी। इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी HP हाई कोर्ट में 1987 में। क्यों? सीकिंग अ बैन ऑन इलीगल क्वेरिंग इन संग्रह एरिया ऑफ सिरमौर। ये क्वेश्चन HP अलाइड सर्विस 2018 में भी पूछा जा चुका है। तो कोर्ट ने क्या करा कि कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू क्लोज ऑल द एक्टिव माइंस इन द एरिया। तो जो माइनिंग बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई इस ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी किंकरी देवी के पक्ष में फैसला सुनाया। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है उसने इन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार 99 देने की घोषणा की और ये अवार्ड इनको दिया गया 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। शी वॉज आल्सो ऑनर्ड बाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर हर सर्विसेज। 1995 में इंटरनेशनल वुमन कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में, तो इन्हें वहां भी इन्वाइट किया गया था। इन्हें हिलेरी क्लिंटन जो कि फॉर्मर US प्रेजिडेंट बिल क्लिंटन की वाइफ है, उन्हें इनवाइट किया था। क्यों? टू लाइट अप द लैम्प एट द इनॉगरल फंक्शन। नेक्स्ट जो फेमस पर्सनैलिटी है वो है श्री बाबा कांशीराम या पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। इनका जन्म 11 जुलाई 1882 में हुआ था डाडा सिबा में। इन 1902 विजिटेड लाहौर। 1902 में ये लाहौर गए और केम इन कॉन्टेक्ट विद लेट हरदयाल एंड सरदार अजीत सिंह जो कि भगत सिंह के चाचा है। दे गेव हिम इंस्पिरेशन फॉर ज्वाइनिंग नेशनल मूवमेंट। 1997 में एक पॉलिटिकल मीटिंग हुई थी गदरिया वाला में, तो वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या टाइटल दिया? पहाड़ी गांधी का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि वे एक अच्छे गायक थे और उनकी एक अच्छी आवाज थी, तो इन्हें क्या टाइटल दिया गया? पहाड़ी बुलबुल। किसने दिया? सरोजनी नायडू इन 1927 एट दौलतपुर चौक। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी वो है श्री पदम देव। इनका जन्म 26 जनवरी 1901 में हुआ था, बहुनौल तहसील है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो इन्हें टाइटल दिया गया था कवि राज का। इन्हें पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में। ये फाउंडर मेंबर भी थे हिमालयन राष्ट्रीय प्रजा मंडल जो कि 1938 में बनी थी शिमला में, और वे इसके सेक्रेटरी भी रहे थे। तो इन्होंने स्ट्रगल किया था रीत बेगार और अनटचेबिलिटी के खिलाफ। इन्होंने श्वेत सत्याग्रह को भी लीड किया था और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट बात करेंगे सत्यानंद स्टोक्स के बारे में। तो ये एक वेल्दी बिजनेसमैन थे US से फिलाडेल्फिया के, तो उनके बेटे थे। तो ये इंडिया में 1905 में आए। 1910 में इन्होंने एक टी गार्डन लिया और शादी की, और उन्होंने बारूबाग जो कि कोटगढ़ में है उससे अपना घर बनाया। इन्होंने संस्कृत सीखी, स्टडीड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थॉट्स एंड एक्सपॉन्डेड हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ इन अ बुक। इन्होंने एक बुक लिखी थी सत्या काम। 1888 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे अमेरिकन वैरायटी के एप्पल्स इन कोटगढ़ वैली। तो जो सबसे पहले हिमाचल में एप्पल इंट्रोड्यूस किए थे वो किए थे ब्रिटिश ने, RC ली ने, ब्रिटिश वैरायटी के थे। तो ये 1870 में कुल्लू जिले में किए थे। तो ये इन्होंने खादी पहनना स्टार्ट किया था महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस होके। तो 1934 में ये RS मार्ज के अंडर इन्होंने क्या किया था, अपने आप को कन्वर्ट किया था हिंदू, क्रिश्चियन टू हिंदू, और अपना नाम चेंज किया था सैमुअल इवांस स्टोक्स से सत्यानंद स्टोक्स। तो इन्हें जाना जाता है शिमला में बेगार प्रथा खत्म करने के लिए। तो इन्हें बेगार खत्म करने के लिए काफ़ी कोशिश की। नेक्स्ट आते हैं श्री यशपाल जी। तो ये रेवोल्यूशनरी थे। तो यशपाल कहाँ से बिलोंग करते थे? विलेज भूमपल इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 में हुआ था। इन द कॉलेज ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद सरदार भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। तो ये चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के कॉन्टैक्ट में आए अपने कॉलेज टाइम में। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद इन्हें HSRA का कमांडर बनाया गया। इन्हें 1932 में पुलिस ने इलाहाबाद में
अरेस्ट किया और इन्हें 14 साल की रिगरस इम्प्रिजमेंट कठोर सजा सुनाई गई। तो ये इन्हें मार्च 2, 1938 में जेल से रिहा किया गया और इन्होंने इसके बाद वॉलेंस का रास्ता छोड़ दिया और टर्न टू राइटिंग, ये राइटिंग तरफ मुड़ गए। तो इन्होंने एक मंथली मैगजीन स्टार्ट की बाय द नेम ऑफ विप्लव, हिंदी में विप्लव था और इसका जो उर्दू वर्जन था वो था बागी, जिसका मतलब है रिवोल्ट। इन्होंने एक और भी क्लासिकल रेमिनिसेंस लिखा, क्या था वो, सीमा वलोकन। इसके 3 वॉल्यूम्स थे, इसमें स्टोरी थी स्टोरी ऑफ आर्म रेवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय हिम एंड हिज कॉमरेड्स भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। आसो रोट स्टोरीज प्लेज एंड एसेज। इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 26 दिसंबर 1971 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो से जुड़े नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।